बच्चों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे मल्टीपल एक्सेस की। मल्टीपल एक्सेस क्या होता है? देखो, जब एक ही लिंक पे मल्टीपल डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो, तो उनको आपस में जो कम्युनिकेशन करना है उसके लिए हमें कुछ प्रोसीजर चाहिए, जिसको हम प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, सेट ऑफ रूल्स, वो चाहिए ताकि हम मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में जो आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है डिवाइसेस के बीच में, उसको हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है, देखो अलग अलग डिवाइसेस है, वो एक लिंक से कनेक्ट है तो आपस में कम्युनिकेट भी करेंगे, इसको हम मल्टीपल एक्सेस कह देते हैं। एक्सेस किसका? लिंक का, चैनल का, जिसके थ्रू डिवाइसेस है जो वो एक दूसरे से कनेक्ट है, और उनके बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश होने के बाद जो कम्युनिकेशन करवाना है वो करते हैं हम किसी प्रोटोकॉल के थ्रू, सेट ऑफ रूल्स के थ्रू, प्रोसीजर के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, जैसे अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, अभी जब हम क्लास में मैं टीच करता हूँ आपको, तो हमने क्या रूल बना रखा है कि पढ़ाते टाइम सिर्फ मैं बोलूँगा, आप लोग सिर्फ सुनोगे। आपने बोलना है तो सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए, बात करने के लिए नहीं, है ना? क्योंकि इसमें क्या है, मैं हम इतने सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं लेक्चर के टाइम पे, तो अगर सारे बोलने लग जाएंगे तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा, किसी को किसी की सुनेगी नहीं प्रॉपरली, है ना? तो हमने क्या रूल बना लिया कि भाई पढ़ाते टाइम सिर्फ टीचर बोलेगा और बच्चे सुनेंगे। अगर बच्चों ने कुछ पूछना है तो वो हैंड रेज कर लेंगे या फिर खड़े होकर पूछ लेंगे, है ना? इस टाइप से हमने एक रूल बना लिया, तो जिसको हमने प्रोटोकॉल बोल दिया। और अगर हम टेक्निकल टर्म की बात करें उसको हम बोल लेते हैं मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, अब मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल जो, इसमें हम पढ़ेंगे मेनली रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल जो अपने सिलेबस में है। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे अलोहा। अलोहा दो टाइप का है आपका, प्योर अलोहा और स्लोटेड अलोहा। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे सीएसएम में, एक पढ़ेंगे हम सीएसएम में सीडी, और एक होगा आपका सीएसएम में सीए। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में हम रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल और प्योर अलोहा की बात करेंगे। ठीक है, अब रैंडम एक्सेस क्या होता है? नाम से क्या पता चल रहा है, रैंडम है, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है इसके अंदर, इसको हम कंटेंशन भी बोल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो एक कोई चैनल होगा आपका जिसमें आपके मल्टीपल डिवाइसेज एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, ठीक है, इसमें क्या है, कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हम। जिस भी डिवाइस ने कम्युनिकेट करना है, जिस भी डिवाइस ने कोई मैसेज ट्रांसमिट करना है किसी दूसरे मशीन के लिए, वो उसी टाइम पे, जिस भी टाइम उसका मन किया वो ट्रांसमिट कर देगी। हमारी बात रेंडमली एक्सेस है, कोई भी डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस को ट्रांसमिट करना चाहता है तो वो उसी टाइम पे कर लेगा। अब जो लिंक है इसमें वो कॉमन होगा, मतलब तो जिस चैनल के थ्रू वो एक दूसरे को मैसेज ट्रांसमिट करेंगे वो कॉमन चैनल होगा। जैसे मान लिया ये एक चैनल है, ये एक लिंक है, वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस जैसे भी है, और इस पे मान लिया मल्टीपल आपके जो डिवाइसेज है वो कनेक्ट है सेम चैनल से, और यहाँ पर भी आपके मल्टीपल डिवाइसेज हो सकते हैं।
लेकिन एक ही चैनल के थ्रू ये सारे आपस में कनेक्टेड है। कुछ इस टाइप का सिनेरियो समझो। इसमें क्या है कि भी जब भी किसी ने सेंड करना है, जिस भी टाइम करना है, जितने भी मैसेज सेंड करने हैं वो सेंड कर देंगे। कोई शेड्यूल फॉलो नहीं होगा कि भाई इसने पहले करना है, इसने बाद में करना है, इसीलिए हम इसको रैंडम एक्सेस बोलते हैं। दूसरा इसमें ये होता है कि भाई कोई स्टेशन ये नहीं बताएगा, स्टेशन से मतलब है मेरा मशीन से, ये जो मशीन आपके कनेक्टेड है, कोई भी मशीन दूसरी मशीन को ना तो रोकेगा ना ये बताएगा कि किस में नेक्स्ट सेंड करना है। सब अपने राजा है, ठीक है, इसलिए हम इसको कंटेंशन भी बोल देते हैं। अब जो ये रैंडम एक्सेस है, इसमें कुछ इशू भी आएगा जब सारे के सारे ऐसे सेंड करेंगे तो, है ना। और इशू क्या आएंगे, कोलिजन्स बढ़ेंगे। जब कोई भी किसी भी टाइम भेज देगा उसमें कोलिजन होने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर एक बार कोलिजन होता है, दो मैसेज अगर एक टाइम पे आ जाते हैं ना चैनल में, उसको हम कोलिजन बोल देते हैं। बेशक वो ऐसे हो कि भी एक मान लिया एक डिवाइस ने तो ये मैसेज भेजा, दूसरे ने जस्ट इससे पहले भेज रखा था, बेशक वो स्लाइटली ओवरलैप करे, लेकिन वो कोलिजन होगा और दोनों के दोनों मैसेज आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कोलिजन का एक बड़ा इशू है। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे अलोहा और अलोहा, अलोहा के अंदर प्योर अलोहा और स्लोटेड अलोहा। आज के लेक्चर में हम प्योर अलोहा की बात करेंगे। जो अलोहा था, ये जो डेवलप किया गया था, ये यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई, यूएसए के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई है, वहां पर डेवलप किया गया था वायरलेस लैन के लिए। 1970 में वायरलेस लैन के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन बाद में इसको दूसरे मीडियम के लिए भी यूज करने लग गए। लेकिन स्टार्टिंग में जो इसका इन्वेंशन की गई थी उस टाइम, वो वायरलेस के लिए थी, ठीक है। और जो प्योर लोहा होता है, जो स्टार्टिंग में लोहा डेवलप किया गया था ना 1970 में, वही प्योर लोहा था। बाद में जो उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया गया, तो उसको फिर हमने स्लोटेड लोहा बोल दिया। इसमें क्या है, इसको हमने एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि भाई ये आपका कोई चैनल है, ठीक है, और इस पे ये मल्टीपल स्टेशंस है, मशीन्स है, जो कि आपके कनेक्टेड हैं। मान लेते हैं कि भाई ये आपकी जो मशीन है M1 है, ये M2 है, ये M3 है, और ये आपकी M4 है। ये ओरिजेंटली इसको हम टाइम से डिनोट कर रहे हैं, ये चैनल है बेसिकली आपका पूरा पूरा, ठीक है। इसमें मेन आइडिया क्या है, इसके कंसेप्ट क्या है इसका, इसका कंसेप्ट ये है कि भाई जब भी जिस मशीन ने सेंड करना है, देखो रैंडम एक्सेस के अंदर आता है प्योर अलोहा और ये प्योर अलोहा सिलेक्टेड हुआ, ये रैंडम एक्सेस के अंदर आते हैं। तो कंसेप्ट क्या है, रैंडमली तो देखो उन्होंने ट्रांसमिट करना है, तो जिस मशीन ने जब मन किया वो सेंड कर देगा,
मान लिया भाई इस मशीन ने अपना एक मैसेज भेजा, ये इसका मैसेज मान लेते हम मशीन M1 का है, तो M1 इस टाइप से डिनोट कर लेते हैं। और दूसरा मैसेज हो सकता है इसने थोड़ी देर पहले भेजा हो, इसका नाम मान लेते हैं M12। ठीक है, अब ये दूसरी मशीन है M2, हो सकता है इसने वही अपना मैसेज है जो इस टाइम पे भेजा हो, इसका पहला मैसेज है, इसको मान लेते हैं M21, तो इसको मान लेते हैं हम M22। अब जो तीसरी मशीन है इसने भी हो सकता है इस टाइम पे अपना कोई मैसेज है वो ट्रांसमिट किया हुआ, और एक मैसेज इसने मान लेते हैं भाई इस टाइम पे ट्रांसमिट किया हुआ है M32। मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, दो दो मैसेज हो सकता है कोई ज्यादा कर ले कोई कम कर ले, उस पर हम जा रहे हैं। और हो सकता है भाई इसने एक मैसेज M4 है जो इसने इस टाइम पे अपना कोई मैसेज है वो भेजा है, और एक मैसेज इसने इस टाइम पे भेजा हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, जैसे मैंने आपको बताया था अगर दो मैसेज ओवरलैप कर रहे हैं, बेसिक वो स्लाइटली ओवरलैप करे, एक बिट उनके ओवरलैप करे, वो कोलिजन का केस होगा। और कोलिजन का मतलब है आपका जो मैसेज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा कोलिजन होते। अब ये जो अपना चैनल है, ये पूरा पूरा जो चैनल है, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि भाई कितने मैसेज ओवरलैप कर रहे हैं। देखो ये तो आपका हो गया M1 का पहला मैसेज, ये किसी के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा। ये आपका जो M3 का जो पहला मैसेज था ये ओवरलैप कर गया M2 के फर्स्ट मैसेज से और M4 के फर्स्ट मैसेज से। इसका मतलब क्या है, ये तीनों के तीनों मैसेज जो आपके ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब M4 इसका M1 का मैसेज देखो ये कितनों के साथ ओवरलैप कर रहा है, ये आपका कर रहा है इसके साथ और इसके साथ भी कर रहा है M2 के सेकंड मैसेज के साथ, पर M2 का सेकंड मैसेज आपका M4 के सेकंड मैसेज से कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये मैसेज भी करप्ट हो जाएगा आपका, ये मैसेज भी करप्ट होगा, M3 का 2 सेकंड मैसेज भी करप्ट होगा, M4 का सेकंड मैसेज भी करप्ट होगा, मतलब ये सारे करप्ट हो गए। इधर से आपका M2 का फर्स्ट, M3 का फर्स्ट, M4 का फर्स्ट, ये सारे करप्ट हो गए। और बचा कौन सा मैसेज, सिर्फ एक मैसेज M2 का फर्स्ट, ये आपका सक्सेसफुली सेंड होगा, ये प्योर लोहा ऐसे काम करता है। अब कोलिजन हो गया, अब प्योर लोहा इस बात पे काम करता है कि भी जो इसको एक्नॉलेजमेंट आने चाहिए रिसीवर्स की साइड से। अब जो डिवाइसेज है जिनके मैसेज करप्ट हुए डिस्ट्रॉय हो गए वो वेट करेंगे थोड़े टाइम आउट तक। टाइम आउट कितना होता है, ट्वाइस ऑफ प्रोपेगेशन डिले, क्योंकि एक साइड जाने में जितना टाइम लगा टीपी प्रोपेगेशन डिले, उसके वापस आने में भी उतना टाइम लगेगा टीपी, तो जनरली जो टाइम आउट होता है वो 2 TP के इक्वल होता है। तो 2 TP तक हर एक डिवाइस वेट करेगा कि भाई उसको अक्नॉलेजमेंट मिल जाए। जब उन डिवाइसेस को अक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे, वो दोबारा सेंड करेंगे। दोबारा सेंड करेंगे क्या हुआ, दोबारा फिर कोलिजन के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि टाइम आउट होते क्या करेंगे, सारे सारे डिवाइस दोबारा सेंड करने की कोशिश करेंगे एकदम, और एकदम सारे के सारे सेंड करने की कोशिश करेंगे तो कोलिजन फिर बढ़ेंगे आपके, फिर बहुत सारे मैसेज आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको जो ये कोलिजन है इसको रिड्यूस करने के लिए
प्योर लवा क्या काम करता है कि जो डिवाइसेस है वो रैंडम टाइम के लिए वेट करेंगे, हर एक डिवाइस कुछ रैंडम टाइम के लिए वेट करेगा दोबारा रिट्रांसमिट करने से पहले। देखो उसको पता कि उसका जो एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए था 2TP के अंदर, 2TP के अंदर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, अब उसने दोबारा रिट्रांसमिट करना है। अगर सारे डिवाइस सेम टाइम पे रिट्रांसमिट करेंगे तो कोलिजन होंगे। तो सॉल्यूशन क्या किया कि भी हर एक डिवाइस ऐसा करो कुछ रैंडम टाइम के लिए वेट कर लो, हो सकता है कि जो पहला डिवाइस है ये 5 मिली सेकेंड के लिए वेट कर ले, दूसरा डिवाइस है जो ये हो सकता है कि 10 मिली सेकेंड के लिए वेट कर ले, तीसरा हो सकता है 13 मिली सेकेंड के लिए कर ले, फोर्थ हो सकता है मान ले 2 मिली सेकेंड के लिए वेट करे। तो रैंडम टाइम होगा कुछ भी, उस टाइम के लिए हर एक डिवाइस वेट करेगा और उस टाइम के बाद वो दोबारा रिट्रांसमिट करेगा। इससे क्या होगा, इस रैंडमनेस से कोलिजन का चांस है जो वो कम हो जाएंगे। और जो ये रैंडम टाइम के लिए वेट कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं बैक ऑफ टाइम, बैक ऑफ टाइम, बैक ऑफ टाइम। इससे आपके कोलिजन है जो वो कम हो जाते हैं। एक टर्म जो इसमें हम यूज करते हैं वो होती है वल्नरेबल, वल्नरेबल टाइम। ये कौन सा टाइम होता है, ये वो टाइम है जिसमें जो कोलिजन के चांस है वो होते हैं। जैसे ये जो टाइम है इसके अंदर क्या कोलिजन हो रहे हैं, तो इसको हम इस टाइम पीरियड को हम वल्नरेबल टाइम बोलते हैं। अब इस टाइम पीरियड के अंदर कोलिजन हो रहे हैं आपके, इसको हम वल्नरेबल टाइम बोलेंगे, ठीक है। और जो प्योर अलोवा होता है इसके अंदर वल्नरेबल टाइम है वो जो वो होता है 2 × TT ट्रांसमिशन डिले या ट्रांसमिशन टाइम डिले। वल्नरेबल टाइम प्योर अलोवा का होता है 2 × TT। और इसके अंदर जो थ्रोपुट है, थ्रोपुट प्योर अलावा की वो होती है G × E^-2G। जी क्या है, जी है नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पर ट्रांसमिशन टाइम। जी क्या है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पर ट्रांसमिशन टाइम, या इसको कह लो कि एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स जनरेटेड बाय सिस्टम ड्यूरिंग वन फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। मतलब एक ट्रांसमिशन टाइम के अंदर कितने फ्रेम जनरेट हुए, फ्रेम जनरेटेड बाय द मशीन इन टीटी, वो होता आपका जी। और जो मैक्सिमम थ्रोपुट है प्योर अलोवा की वो होती है 18.4%। मतलब हम चैनल का जो मैक्सिमम जो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं ना वो 18.4% ही है। और ये किस पॉइंट पर होती है, जब जी की वैल्यू 1/2 हो उस टाइम पर थ्रोपुट आपकी मैक्सिमम होगी। मान लिया थ्रोपुट को मैं एक्स से डिनोट करता हूँ, एस से, तो एस मैक्सिमम वो होगी 18.4% व्हेन जी इज इक्वल टू 1/2। जब जी की वैल्यू इसके अंदर 1/2 आ जाएगी तब इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम निकल के आएगी। उम्मीद है ये टॉपिक सब, ये डिटेल में तो हम बाद में देखेंगे ये, या वैसे सिलेबस में है नहीं, इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं डिटेल में जाना कि भाई कैसे 1/2 पे 18.4% एफिशिएंसी। लेकिन इस टॉपिक में फिलहाल हम इतना ही करेंगे और फ्लोपी डल होगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लेना।